लगता है जयश्री भूख खाती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो अभी मैं जा रही हूँ TIC पे, टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर पे, क्योंकि कल हमारे बॉर्डरलैंड यूनिवर्सिटी पे मशरूम मेला होगा। तो इसलिए हम लोगों को आज कुछ मतलब प्रिपेयर करना है। तो हम लैब में जाके मशरूम बिस्किट्स वगैरह, मशरूम के सारे मतलब मशरूम के जो भी प्रोडक्ट है तो वो सब कुछ हम लोग तैयार करेंगे जाके। तो वो हमें थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊंगी, और कल जो मेला होगा मशरूम मेला वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और हम लोग को केक बनाने के लिए, और हम दोनों केक बनाएंगे, वो भी मशरूम केक, मतलब सभी चीज़ें मशरूम का ही होगा। तो अभी हम चलते हैं लैब के अंदर। यहाँ पे अंदर घुस के हमें फर्स्ट क्या करना पड़ता है, चप्पल पहनना पड़ता है। यहाँ पे बाहर का चप्पल अंदर अलाउ नहीं है, तो हम लोगों को अपना चप्पल उतार के ये बाहर जाना होता है। फिर अभी चलो जाके देखते हैं कि सर हम लोगों को क्या ड्यूटी देते हैं, क्या क्या करना, मतलब क्या करना होगा, क्या बोलते हैं। लैब से बाहर जा रहे हैं। तो ये सर ने हम लोगों को ये काम पे लगा दिया है। देख देख, ये ग्रीन हाउस है। वाह प्रियंका, सुंदर लगते थे तुम। ইউটিউবত যাব কিন্তু এই তিরপিলা তিরপিলা কথা হবে দেখো আপ সাওয়ার হরে এ উপর সে হ্যাঁ নজরা কস আলাক ও মাই গড এভরিওয়ান ইজ গেটিং এক্সাইটেড এভরিওয়ান ইজ গেটিং এক্সাইটেড हम लोगों का ये काम ख़त्म हो ही गया है, तो अभी हम लोग इसके बाद यहाँ से सीधा जाएंगे लैब में। जो सब देख रहे हो यहाँ से बीच बीच में पानी छोड़ते हैं। वाओ, ये दोनों मेहनती बच्चा अभी भी लगा हुआ है काम पे। गुड गुड जॉब। तू सुन एक बार, तुझे क्या लगता है? तुमको क्या लगता है जयश्री भूख खाती है? ना जानू मैं डायलॉग को ऐसे आ रहा हूँ। अरे ये फिर से पानी आ रहा है यहाँ से, ये ऐसे बीच बीच में यहाँ से पानी छोड़ते रहता है। ये देखो पानी पानी पूरा एकदम सबसे। ये शुरू से पकी जाए। ये देखो पूरा पानी एकदम, इसलिए धुआं धुआं सा लग रहा है पानी की वजह से। तो ग्रीन हाउस का काम होने के बाद हम लोग लैब में आए, और उसके बाद
बाद हम लोगों को ये मशरूम हम लोग छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे इसका पिकल बनाने के लिए। मैं अभी टी आई सी पे हूँ, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर पे, बड़ौदा यूनिवर्सिटी का ये टी आई सी है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि कल हमारी यूनिवर्सिटी पे मशरूम मेला है, तो इसलिए हम लोगों को अभी कुछ तैयारियाँ करनी है, जैसे कि मशरूम का केक बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं ये सब बिस्किट्स है जो कि मशरूम से बनाया हुआ है, ये सॉसेस वगैरह और बहुत सारी कुछ बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि कुछ मशरूम है, ये मशरूम यहाँ पे बॉयल किया है, शायद बॉयल करके यहाँ पे मशरूम का पिकल बनाएंगे। और जैसे कि और दिखाती हूँ मैं, जैसे कि मशरूम का नूडल्स और बिस्किट्स, मतलब सभी चीज़ से मशरूम का ही होगा। ये नूडल्स वगैरह है मशरूम का, ये देख सकते हैं आप लोग। और मशरूम पाउडर तैयार है। और अभी हम लोग इसको डालेंगे ओवन पे। और इस साइड पे है मशरूम चॉकलेट केक और ये रहा मशरूम का केक। यह पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दिया है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला है। और इसने माचा से रोहन सालों का मुट्ठी सोचो सालों स्मार्ट फेस सीधा सीधी मशरूम बना रहा है, मशरूम पिकल बना रहा है, सालों खाने लिया ना मशरूम पैसा से खरीदना पड़ेगा सालों खाने को और हम पैकिंग कर रहे हैं अभी। और कल हमारा भी एक स्टॉल लगेगा जो हम ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाएंगे। एक